वहां पर आपका खाली रह जा रहा है रेलवे का, तो यहां पर भी बच्चे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में चीटिंग हुआ है। यहां पर भी स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस हैं सबका एग्जाम कैलेंडर लगभग आती है, तो रेलवे का एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं? आप कम ही वैकेंसी दीजिए लेकिन प्रत्येक साल दीजिए। अभी का क्या पोजीशन हो गया कि आज से अगर 8 साल 10 साल पहले की बात करें तो प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी। जो कुंडी जुलाई में एग्जाम का डेट दी है उससे पहले हमको लगता है गैप कर करके जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि अभी जिस मुद्दे को आप उठाए हैं तो इसमें बच्चे कितने संतुष्ट हैं, टीचर कितने संतुष्ट हैं। तो जब से रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये नोटिस दिया गया कल, हालांकि इसका हाई लेवल कमेटी 3 तारीख को ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, 4 तारीख को सौंपना था, तो ये पहले से एक अनुमान था कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा तो रेलवे भी एक्टिव होकर के ये चीज़ अपनी जारी करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन इसमें रेलवे कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने का प्रयास की है और मैक्सिमम बच्चों को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया है, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी शेष रह गए उसमें, जिसको लेकर के बच्चों में थोड़ा सा आक्रोश है। और दूसरी बात है इसमें ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ जगह पे बच्चे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कि जैसे कि एक इशू था एग्जाम के डेट को लेकर के, कि ऑलरेडी लगभग 3 साल होने को चले एग्जाम का, दोनों एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी लगभग 3 साल होने को चले, और फिर अभी देखेंगे कि मई में एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है, इस तरह का डेट दिया गया। लेकिन ग्रुप डी के मामले में ये जो जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होना है तो ग्रुप डी का एग्जाम थोड़ा सा लंबा चलता है। हालांकि बोर्ड ये कोशिश की है इस बार की ये जो इस बार जो एग्जाम होगा ओवरऑल ना हो करके अलग अलग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अलग अलग आयोजित करेगी, जिससे कि इसमें थोड़ा सा गति दिया जा सके कि कम सीटिंग में मैक्सिमम बच्चों को हम शामिल करेंगे। फिर भी कितना भी कम करेगी तो जुलाई में ये एग्जाम प्रारंभ होने के बाद 2 से 3 महीना तो चलेगा ही चलेगा, यानी कि अगस्त सितंबर तक तो चलेगा ही चलेगा, और बाकी जितना सारा प्रोसेस इसमें होता है रेलवे का तो कम से कम हमको लगता है कि साल भर सारा प्रोसेस में लग जाना है, यानी कि 2023 के अगला जुलाई तक तो जाएगा ही जाएगा, मे बी की ज्वाइनिंग कराने में उसको और ज्यादा विलंब हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों में इस चीज को लेकर के असंतुष्टि है। बाकी जो मांग माना गया रेलवे के द्वारा, पहले हम उसका चर्चा कर देना चाहते हैं। और भी कई छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे कि 20 गुना यूनिक छात्रों का रिजल्ट दिया जाएगा, ये पहले से एक तरीके से ज्ञात था, इस बात को रेलवे कंप्लीट मान ली। इसके बाद जिनका रिजल्ट में नाम है वो यथावत रहेगा, यहाँ बच्चों को थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होता है कि ऑलरेडी अगर हमारा रिजल्ट में नाम है तो वो यथावत का क्या मतलब होता है, कि जो अन्य लेवल में हमारा रिजल्ट फिर हो पाएगा कि नहीं। तो यथावत का यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं ये मतलब हुआ कि आप बाहर इससे नहीं होंगे, ये बात तय है, जिन बच्चों को ऑलरेडी रिजल्ट है, उनका हो गया है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी एक संभावनाएं बढ़ेगी। वैसे बच्चे जिनका किसी एक लेवल में रिजल्ट था या किसी खास पोस्ट के लिए रिजल्ट था, तो जब भी 3.25 लाख और कैंडिडेट को इसमें बढ़ाएंगे, 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाना है, तो 3.25 लाख और रिजल्ट को इसमें ऐड किया जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में बोर्ड थोड़ा सा कट ऑफ सारे पोस्ट में कम करेगी, सारे लेवल में कम करेगी, तो उस बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जिनका कुछ एक मार्क से रिजल्ट छूट रहा है। बाहर वाले तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जिनका पहले से रिजल्ट हो रखा है तो उनका अपॉर्चुनिटी होगा कि दूसरे लेवल में भी आ जाएंगे, दूसरे पोस्ट में भी उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका यही मतलब होता है यथावत रखने का। इसके बाद आती है कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 नहीं होगा, ये भी बातें पहले से लगभग ज्ञात थी कि सीबीटी 2 इसमें अब नहीं होना है। इसके बाद है कि एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में दे दिया जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट वीक में अप्रैल का पहले सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 2 मई में होगा, ये बातें क्लियर कर दिया गया अब कि एनटीपीसी सीबीटी 2 मई में होगा। लेकिन एक बदलाव यहाँ पर यह हो रहा है कि पिछले बार जो था वो लगातार एग्जाम था, 5 लेवल का लगातार डेट दिया गया था, इस बार स्पष्ट कर दिया गया है कि हर लेवल में गैप रखा जाएगा। मई में जो एग्जाम होना है वो लेवल 6 से स्टार्ट होगा, अब कितने दिन का गैप रहेगा ये बातें तय नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ग्रुप डी जुलाई में एग्जाम का डेट दी है उससे पहले हमको लगता है गैप कर करके इस सारे लेवल का एग्जाम कराएगी, ऐसा एक अनुमान है। इसके बाद है कि एनटीपीसी के बाकी लेवल की परीक्षा कुछ दिनों के बाद करवाई जाएगी, वही बात जो अभी हम बताए। इसके बाद ग्रुप डी का सीबीटी 1 जुलाई 2022 से होगा। अब सवाल ये उठता है कि जुलाई 2022 से होगा तो यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को लग रहा है,
तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां हैं। एक सवाल और है, जैसा कि आपने एनटीपीसी सीबीटी 2 के अलग अलग लेवल्स की परीक्षा की बात की और आपने कहा कि अब इसमें गैप होने वाला है, तो यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने बेशक अलग 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 स्टेट्स के लिए भरा होगा, दूसरे दूसरे जगह जाएंगे, तो गैप्स के साथ उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा परीक्षा देना, क्योंकि बार बार ट्रैवल करना भी ईजी नहीं है, एक तो फाइनेंशियल दिक्कत आती है वो अलग, और समय भी जाएगा वो अलग, तो इसमें कितनी दिक्कत। इसमें आप इस रूप में इस चीज को समझ सकती हैं कि जैसे 5 लेवल है, तो इस बार जो है, पिछले बार भी, हर बार ये होता है कि जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में बच्चे फॉर्म भर रखे हैं तो आपको एग्जाम वहीं जाके देना होता है, ऑनलाइन मोड में भी। तो अब यहाँ पर परेशानी ये है कि किसी बच्चे का अगर 3 लेवल में रिजल्ट हुआ है या 4 लेवल में रिजल्ट हुआ है, किसी बच्चे का 5 लेवल में रिजल्ट हुआ है, अगर वो बच्चे आरआरबी सिकंदराबाद भरे हैं, आरआरबी बेंगलोर भरे हैं, चेन्नई भरे हैं, मुंबई भरे हैं, अहमदाबाद भरे हैं, तो अगर कोई बिहार के बच्चे उतने दूर फॉर्म भर रखे हैं या उत्तर प्रदेश के लड़के उतने दूर फॉर्म भर रखे हैं और इन दोनों के बीच में गैप रखा जाएगा, तो सवाल ये उठता है कि एक ही बच्चे को अगर 3 लेवल में रिजल्ट है तो 3 बार उसको वहां जाना होगा। तो ये सबसे बड़ी परेशानी की सबब बच्चों के लिए ये बनेगी और सारे बच्चे इस चीज को लेकर के एकदम चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो यहाँ पर कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि इसमें इसके लिए क्या उपाय रेलवे कर रही है, कहीं पर भी नहीं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा परेशानी बच्चों के समक्ष इस चीज को लेकर के हो सकती है। और आपने कहा कि 90% चीजें जो ग्रीवांस सेल में गई उसे मान लिया गया, तो 10% वो कौन सी चीजें हैं जिसे बोर्ड ने नहीं माना? इसमें हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भी बच्चों ने अपने ग्रीवांसेस बोर्ड के समक्ष रखा था, तो कई सारी मांगे बोर्ड नहीं मानी है, उसका चर्चा तक यहाँ नहीं किया गया है। जिसमें सबसे पहला है एग्जाम कैलेंडर। लगभग बच्चे 99% बच्चे ये होप कर रहे थे, अपनी ग्रीवांसेस भी दे रखे थे कि एग्जाम कैलेंडर जिस तरीके से SSC का आता है, जिस तरीके से UPSC का आता है, जिस तरीके से BPSC या स्टेट लेवल के जितने भी PCS हैं सबका एग्जाम कैलेंडर आती है, तो रेलवे का एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं? आप कम ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन प्रत्येक साल दीजिए। अभी का क्या पोजीशन हो गया कि आज से अगर 8-10 साल पहले की बात करें तो प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल का गैप हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि 3 साल का गैप हुआ, और अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि 2019 और अब 2022 आ चुका है, लगभग 3 साल से ऊपर हो चुका है, अभी नई वैकेंसी का सवाल ही नहीं दिख रहा है, कब तक नई वैकेंसी आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। यहाँ बच्चों को थोड़ा सा परेशानी फील हो रहा है कि हमारी ये जो प्रमुख मांगे थी उसको नहीं माना गया है एग्जाम कैलेंडर से इशू। हालांकि हमने भी उस समय सुशील मोदी सर के पास भी ये चर्चा किया था, इसके बाद आरआरबी पटना और मुजफ्फरपुर बोर्ड के चेयरमैन से भी बात हुई थी, तो उनका थोड़ा सा तर्क यहाँ पर ये था, जो हमको थोड़ा सा तर्कसंगत प्रतीत नहीं हुआ, उनका कहना था कि हम 10,000 पोस्ट निकालें या 1,00,000 पोस्ट निकालें, रेलवे में 1 करोड़ से ऊपर बच्चे फॉर्म भरेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी का ग्रुप डी का जो लेवल 1 का पोस्ट है उसमें 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं, NTPC में 35,000 पोस्ट के लिए 1,25,00,000 के बच्चे, लगभग 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो सवाल उठता है कि अभी यही 2 वैकेंसी में 6-6 महीने का हमको टाइम लग रहा है सिर्फ एग्जाम लेने में, और अगर हम प्रत्येक साल वैकेंसी निकालेंगे 10,000 का भी, तब भी 1 करोड़ से ऊपर बच्चे में वो लैंग्वेज अगर हम चूज करें तो वो लैंग्वेज हमारा आ जाना चाहिए। और ऐसा सॉफ्टवेयर में बदलाव बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी भी चर्चा इस बात को लेकर के नहीं हुई, और 50,000 हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम था, यहाँ पर परेशानी हुई। तीसरा हुआ कि जो बोर्ड नहीं मानी, जिसकी चर्चा इसमें नहीं है, कि ग्रुप डी का जब फाइनल रिजल्ट आना था, यानी कि जो वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जाता, वहाँ 1:1 में दिया गया कि बच्चों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने वेटिंग को समाप्त कर दिया। पहले होता था कि 50% वेटिंग रहता था, जो बच्चे मान लीजिए कि NTPC में जिन बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा या दूसरे किसी एग्जाम्स में ग्रुप डी से अच्छे पोस्ट में हो जाएगा, तो वो ग्रुप डी वो बच्चे क्यों ज्वाइन करेंगे? तो वैसी परिस्थिति में अगर उतने ही बच्चे को आप बुलाइएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो पता चलेगा कि अगर 1,03,000 पोस्ट है, 20,000 बच्चे अगर नहीं पहुंच पाए दूसरे एग्जाम में, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं 20,000 पोस्ट वहां पर आपका खाली रह जा रहा है रेलवे का। कहीं ना कहीं रेलवे उस वैकेंसी को अगले वैकेंसी में ऐड कर सकती है, जो इस बच्चे को यहां पर मौका मिलना चाहिए, उस बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ तो दूसरे बच्चे को वहां पर चांस मिलना चाहिए था। तो यहां पर भी बच्चे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में चीटिंग हुआ है यहां पर भी।
तो कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं कि जहां पर बच्चे नाखुश हैं, बाकी तो 90% मांग बच्चों की मानी ही गई है। और आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ये पूरी प्रक्रिया होने वाली, ये तो कह दिया गया कि रिवाइज्ड रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा और फिर सीबीटी 2 की परीक्षा ग्रुप डी के लिए नहीं होगी और फिर लेवल वाली बात और गैप वाली बात तो हो गई, लेकिन इन सब में समय कितना लगने वाला है? क्योंकि हमने पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर लिया है और हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया है, तो आगे क्या होने वाला है? समय तो लगना है। अगर NTPC CBT 2 की ही अगर हम बात करें तो मई में इसका CBT 2 होगा, तो मई में CBT 2 होगा, तो ये तय नहीं है कि जो पांचों चरण का एग्जाम होगा कितने दिन में, इसको डेडलाइन फिक्स नहीं किया गया है इसके बारे में। मे बी कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने में हो जाए पूरा, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि इसका कई सारे प्रोसेस बचा हुआ रहेगा। उसमें स्टेशन मास्टर ऐसा पोस्ट है, उसके बाद साइको होना है, और इसमें बहुत सारे टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, तो उसका टाइपिंग होना है। तो पहले इसका CBT 2 होगा, उसमें 2 महीने का समय लग सकता है, उसके बाद फिर उसके रिजल्ट आने में 1 से 2 महीने 2 महीने तो कम से कम लगना है, उसके बाद फिर उसके टाइपिंग के लिए डेट दिया जाएगा, साइको के लिए डेट दिया जाएगा, उस प्रोसेस में टाइम लगेगा, फिर उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर जाकर ज्वाइनिंग होगा। तो CBT 2 का ही बात करें तो हमको लगता है तो कम से कम साल भर का प्रोसेस उसमें लग जाना है। ग्रुप डी में फिर चले आइए, ग्रुप डी में भी जुलाई से एग्जाम ही स्टार्ट होगा, 2 से 3 महीना इसका एग्जाम ही चलेगा, फिर उसके बाद इसका फिजिकल होगा, उसके पहले कई सारा प्रोसेस इसका रिजल्ट का होगा, फिर बच्चे को ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी समय दिया जाएगा, तो साल भर वहां पर भी समय लगना है। तो कुल मिलाकर के अभी से 1 साल से 1.5 साल का समय हमको जो अपना फीलिंग है मिनिमम लगेगा ही लगेगा। कुल मिलाकर के ये मानिए कि 2024 को टच कर सकती है, नौकरी हाथ में 2024 ऐसा आप होप कर सकती है। कोई जल्दी जल्दी करने का कोई उपाय नहीं है हमको तो इसमें नहीं दिख रहा है, चूंकि सारा शेड्यूल बोर्ड जारी कर दी है, लेकिन हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे और हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी बातें आपके हाथ में या हमारे हाथ में नहीं होती है, आपका काम है मेहनत करना। आपने जितना दिमाग लगाना था, आपने प्रोटेस्ट भी किया, सारा कुछ किया, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने आया, तो अब उस पर बहुत ज़्यादा मंथन ना करते हुए, जो भी हो सकता है कि यहाँ पर बोर्ड की भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी कि जुलाई में एग्जाम, चूंकि 1 करोड़ से जब ऊपर बच्चे हैं, उतने सारे बच्चे, तो मे बी कि सेंटर बुक करने में परेशानी हो रही हो, ये भी एक पहलू है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे का ही ऑनलाइन एग्जाम होता है, SSC का भी अभी एग्जाम चल रहा है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी ऑनलाइन होती है, इसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, और सेंटर सबका सेम ही होता है। TCS एग्जाम कंडक्ट कर रही है, NSEIT ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करेगी, सेंटर भी तो खाली होना चाहिए। तो मे बी कि इसी कारण से रेलवे इतना लंबा डेट दी हो, ऐसा संभव है अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप जाएंगे। तो इसलिए हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप 3 साल से लगातार तैयारी करते आए हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी हो चुकी है, लेकिन इस तैयारी को आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कंपटीशन लेवल कितना ज़्यादा टफ है। हाँ, 35,000 पोस्ट है, तो 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 1,03,000 वैकेंसी है, वहाँ भी आपका 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, इसलिए दोनों पोस्ट मिला के 1,40,00,000 वैकेंसी अभी आपके सामने है पड़ा हुआ, और आगे कब वैकेंसी इतनी सारी आपको देखने को मिलेगी। और जो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जिस तरीके से निजीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमको तो विश्वास है कि इतनी सारी वैकेंसी अब दोबारा से देखने को मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ये एक बहुत बड़ी शंका है यहाँ पर। इसलिए जो चीज़ आपके सामने अभी है, पूरा मेहनत करके उसको आप रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। इधर उधर से ज्यादा दिमाग ना लगा करके अपनी तैयारी को इस बीच में आप बेहतर करें। हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी आपकी बनाए रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत